यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया है। सीएम ने गृह विभाग समेत 37 विभाग अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्रालय मिला है। श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा और सिद्धार्थनाथ सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। राजेश अग्रवाल वित्त मंत्री होंगे, जबकि रीता बहुगुणा जोशी को महिला और बाल कल्याण विभाग मिला है। यूपी के सभी मंत्री आज अपने विभाग के अधिकारियों के साथ स्वच्छता की शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिला चुके हैं। उन्होंने दिसंबर तक 30 जिलों को खुले में शौच से मुक्त कराए जाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में स्वच्छता को लेकर सीएम योगी की ओर से दिलाई गई शपथ का असर दिखने लगा है। उन्नाव में पुलिसकर्मियों ने थाने में सफाई अभियान चलाया तो मुजफ्फरनगर में एसएसपी बबलू कुमार ने पुलिस वालों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और हर कर्मचारी को 100 दूसरे लोगों को भी स्वच्छता की शपथ दिलाने का निर्देश दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य में अवैध रूप से चलाए जा रहे बूचड़खानों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में कई अवैध बूचड़खाने बंद किए जा चुके हैं। सीएम ने राज्य में गाय तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने को भी कहा है। सीएम योगी ने अपनी निजी वेबसाइट पर गोहत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर भी लोगों की राय मांगी है। यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करना एक सिपाही पर भारी पड़ गया। हिंदू युवा वाहिनी की शिकायत पर एसएसपी ने कोठी भार थाने में मुंशी पद पर तैनात सिपाही हृदय नारायण यादव को लाइन हाजिर कर दिया और जांच के बाद केस आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनिंदा कुछ गाय गोरखपुर से लखनऊ में सीएम आवास आने वाली है। इसके अलावा सीएम के सरकारी निवास 5 कालिदास मार्ग पर गौशाला बनाई जा रही है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 400 से ज्यादा गाय हैं, जिनसे सीएम योगी को खास लगाव है। यूपी के हाथरस में अज्ञात बदमाशों ने मीट की दुकान में आग लगा दी। मामला शहर के जलालपुर चौराहे का है। चश्मदीदों के मुताबिक बोलेरो में सवार कुछ लोगों ने केरोसिन तेल छिड़क कर दुकान में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। इससे पहले भी शहर में मीट की 3 दुकानों में आग लगाई जा चुकी है। यूपी के बागपत में मीट की अवैध दुकानों को बंद करने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई से नाराज मीट कारोबारी सड़कों पर उतर आए और हंगामा करते हुए सीओ दफ्तर के घेराव की कोशिश की। इस दौरान मीट कारोबारियों की सीओ से तीखी नोकझोंक भी हुई। यूपी के रायबरेली में गर्भवती महिला इलाज नहीं मिलने की वजह से घंटों सड़क पर तड़पती रही। महिला की नाजुक हालत को देखते हुए सीएससी के डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। मीडिया तक मामला पहुंचने के बाद सीएससी में तैनात कर्मचारियों ने आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल भेजने का इंतजाम कराया। कॉमेडी शो नहीं छोड़ने पर अड़े नवजोत सिंह सिद्धू एक नए विवाद में घिर गए हैं। अमृतसर में आयोजित एक सरकारी बैठक में सिद्धू अपनी पत्नी नवजोत कौर को साथ लेकर पहुंचे। बैठक के दौरान उनकी पत्नी ने अधिकारियों को निर्देश दिए